पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया बुधवार को आरंभ हो गई। चुनाव प्रक्रिया के पहले दिन नामांकन पत्रों का वितरण किया गया, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री सहित कई अन्य पदों के लिए छात्र प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चे की खरीदारी की। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए चुनाव अधिकारी ओपी पांडे ने कहा कि नामांकन पत्रों का वितरण गुरुवार को भी जारी रहेगा। चुनाव की पूरी प्रक्रिया लिंग दो संस्तुतियों के आधार पर संचालित की जा रही है। अगर कोई लिंग दो संस्तुतियों के विपरीत जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी, उन्होंने कहा। आज जो है जो नामांकन प्रपत्र हैं उसकी बिक्री शुरू हुई है और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले हैं वो अपना नामांकन प्रपत्र खरीद रहे हैं। कितने बच्चे आज पढ़ते हैं? अभी तो हम जरा कुलपति आवास पर गए थे, छात्रों ने जो है इस संबंध में कुछ कुलपति जी से चाहा था कि स्पष्टीकरण करने के लिए, तो वहाँ मुझे बुलाया गया था, इसलिए वहाँ से मैं डाटा नहीं ले पाया हूँ, लेकिन आज डाटा मिल जाएगा और आज से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई और जो इच्छुक छात्र हैं उन्होंने नामांकन पत्र खरीदना शुरू कर दिया है। कल भी क्या प्रक्रिया? कल भी जो है नामांकन प्रपत्र जो है बिक्री होगी और जो प्रत्याशी इसके लिए हैं, प्रतिनिधि के लिए, वो अपना नामांकन पत्र इस कार्यालय में जमा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक प्रत्याशी के साथ एक प्रत्याशी होगा, उसका एक प्रस्तावक होगा, दो उसके समर्थक होंगे और एक उसका कोई सहायक, इसलिए कि कोई कागज़ वगैरह की ज़रूरत पड़े तो वो लेने के लिए आ जाए। तो कुल 5 लोग ही प्रवेश करेंगे जहाँ पर जमा करना है, क्योंकि ये भीड़ नहीं रोकी जाएगी तो भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाएगी, इसलिए ये व्यवस्था की गई है कि केवल एक प्रत्याशी सहित 5 लोग रहेंगे। तो दे दी गई है, आज से जो है आचार संहिता लागू हो गई है, आज 4 सितंबर है। मैंने पहले भी कहा था कि 4 सितंबर से लिंग दो कमेटी के हिसाब से आचार संहिता है और जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है उसको लिंग दो कमेटी के आदेशों का पालन करना होगा। अगर वो नहीं करता है तो बाद में कोई चीज़ें जांच में आएगी तो स्वतः उसका जो है निस्तारित हो जाएगी और वो चुनाव से हो सकता है वंचित हो जाएगी, क्योंकि उसके बारे में जो विधिक प्रक्रिया है वो विश्वविद्यालय प्रशासन उठाएगा। मैं आपको बता दूं कि छात्रों ने कैंपस में स्टिकर, पोस्टर ये सब लगाए थे, मैंने निवेदन किया था, वो बहुत प्रभावी नहीं रहा, लेकिन मैंने स्वयं जो है यहाँ के छात्र नेताओं को लेकर के और NCC के कैडेटों को लेकर के जो भी कैंपस हमारा परिसर है उस कैंपस से हम लोगों ने स्टिकर, बैनर, पोस्टर हटा दिए पूरी तरह से। तो विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, विश्वविद्यालय के बाहर जो पोस्टर लगे हैं उसके संबंध में हम लोगों ने जिला प्रशासन से निवेदन किया है कि लिंग दो कमेटी का पालन सुनिश्चित कराएं और वो बोर्डिंग होर्डिंग और बोर्ड और ये सब चीज़ें हटवाएं। अब हो सकता है जिला प्रशासन उसमें कुछ कर रहा हो, उसके संबंध में मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन उन लोगों से हम लोगों ने निवेदन कर लिया है।